tried so hard and got so far. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग बनने वाला है वो ऐसे घूमने का व्लॉग है, वो व्लॉग है युला गांव जा रही हूँ मैं। तो फिर आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि कैसा है यहाँ, मतलब कैसा है युला का गांव, और वहाँ तक जाने के लिए आप कैसे जा सकते हो, गाड़ी से जाती हो या बस से जाती हो, अगर बस से जाती हो तो किस तरह से जाओगे, मतलब इजली जा पाओगे। चलो ठीक है भाई, मेरे नीचे बस आ गई, टाटा बाय बाय। फाइनली मैं रोड पे पहुंच गई और हमारी बस परे लगी हुई है युला वाली। युला के लिए आपको सुबह 8:30 बजे करीब बस मिल जाएगी, तो आप उसको कैच करिए और उसके बाद उसमें चले जाइए, फिर इजीली आप पहुंच सकते हो। वरना फिर गाड़ी गुड़ी का इंतज़ार करते करते ऐसे हो जाना, फिर आपका दिन ख़त्म। निकल चुकी है अब भाई, भी आने वाली है तो। हेलो हेलो हेलो, नहीं करोगे? बाय। तो वहाँ सामने हमारी बस लगी हुई है, अभी बस में जाएंगे। आज मैं फिर से ट्राईपोड लाने भूल गई, लाती हूँ बट मैं थोड़ा लगाना था। चलिए, तो ये है युला की बस, जो युला जाएगी फिर उड़नी जाएगी फिर जाएगी टापरी। हाँ ठीक है, और ये पूरी बस खाली है अभी, बिकॉज वहाँ के लिए सवारी अभी नहीं आती, पता नहीं देखती है। हाँ जी, अभी छोटी किन्नौरी पूजा। हाँ जी, सर्च करना ना, ठंडा ठंडा मौसम है। ये हमारे कंडक्टर साहब, मैं युला पहुंच गई हूँ बस स्टैंड के पास, अब ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। मीरू जाने के लिए ये रास्ता, शॉर्ट रास्ता, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर दिख रहा हूँ। यहाँ का प्राइमरी स्कूल, युला भी बहुत चढ़ने का है ना। ये युला कपाली साइड वाला युला है, और ये मैं इधर अरी साइड हूँ। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ युला में, और यहाँ पर जो माहौल है वो ठंडा ठंडा सा है, ठंडा ठंडा, तो आजकल सारी जगह ठंडा ही है। हाँ, तो आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों आई है ये पूजा। अरे मैं यहाँ रिलेटिव्स के पास आई थी, बिकॉज यहाँ पे कुछ फंक्शन था 5-6 तारीख को, तब हम लोग नहीं आ पाए थे। फिर अब आके फिर यहाँ पे होता नहीं है, होता ना, आना पड़ता है, तब आ रहे, और माला मूला हार वगैरह जो होता है वो दिया देना पड़ता है, तो उसी वजह से हम आए हैं यहाँ पे। और बस मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आके, क्योंकि यहाँ बिना बहुत, मतलब ऐसे क्लोज क्लोज घर है, अच्छा है, गाँव वाली फीलिंग्स बहुत अच्छे से आती है यहाँ पे। तो मैंने जब हमेशा आपको मेरे गांव से उरनी गांव और युला गांव दिखाया हुआ है, तो आज मैं आपको यहाँ से मीरू गांव और मीरू गांव का कंडे है ना वो भी दिखाती हूँ। तो मुझे कमेंट में बताना कि कैसा है हमारा गाँव, और मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, जो कैमरे में कैद नहीं हो सकता, बट जितना होगा कैद वो आप लोग को दिख जाएगा। तो देखिए, तो ये है दोस्तों मीरू गांव का कंडे, देखो कितना खूबसूरत है, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़, ढके हुए पहाड़ कितने ही प्यारे लग रहे हैं। मैं बता रही थी ना, हमारा कंडा बहुत ऊपर है जहाँ मैं खड़ी थी,
वो मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ पे मैं खड़ी थी ना, वहाँ आगे जो दिख रहा है ना, वहाँ पे मैं पहले, वहाँ पे हमारा खेत है, तो वहाँ हम लोग घास काटने आए थे और अनाज वगैरह काटने आए थे। तो वहाँ, और वहाँ से सीधा यहाँ देखो पूरा कंडा जो मैं आपको दिखा रही थी थोड़ा थोड़ा सा, वो है ये। कितना प्यारा लग रहा है, हुस्न पहाड़ों का। बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये है हमारा मीरू कंडा, मीरू का कंडे। सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए जंगल, और पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो बाकी मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि यहाँ का रास्ता कैसा है। तो आपने इससे पहले तो देख लिया होगा कि यहाँ पे रास्ता वगैरह कैसा कैसा है। ठीक ठाक है, बढ़िया है, अच्छा बनाया हुआ रास्ता, एकदम क्लीन भी है, अच्छा है। गाँव बड़ा प्यारा है, थोड़ा दूर है ऊपर जाने को ना। पहले हमारा गाँव था ऐसे, चलने में दिक्कत आती थी, और वहाँ पर हमें रोड, अब तो रोड आ गया, तो हमें गाड़ी मिल गई, तो बस एकदम से गांव पहुँच जाते थे। बट यहाँ पर अभी गाड़ियाँ नहीं आती है गांव गांव तक, गांव तक ऊपर गांव तक, तो नीचे तक ही आती है, जहाँ तक आपने देखा मेरे साथ सुबह इससे पहले वाली वीडियो में। तो ऐसा सब कुछ है यूला गाँव। बाकी आप देखोगे यूला गाँव को दोबारा से, और मैं आपको हो सके तो यहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे मिलवाऊँगी। और एक अच्छी सी बात, मुझे यहाँ पे एक सब्सक्राइबर मिले मेरे, तो मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि आप किन्नौरी पूजाओ। यस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, तो मैं आपको उनसे ही मिलाती हूँ। देखते रहिए वीडियो को। चलो, किन्नौर में ठंड स्टार्ट हो गई, तो फिर लकड़ियाँ इकट्ठा करने का वो सीज़न आ गया है, तो लकड़ियाँ इकट्ठा करें। देखो काम कर रहे लोग। हाँ दादी, बहुत ही प्यारा नया से व्यू, तो मेरे घर से इतना अच्छा नहीं दिखता जितना यहाँ से दिख रहा है। मेरे घर से सिर्फ किलवा दिखता है बस। बाकी अगर आप लोगों को यूला के बारे में और अच्छे से जानना है तो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं दोबारा कभी आऊँ और यहाँ का और अच्छे से डिफाइन करके बताऊँ आप सबको। सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। पॉइंट यहाँ देखो, यहाँ से नीचे अगर ये ग्रिल यहाँ नहीं लगा होता तो सीधा नीचे फोल्ड। बाकी बहुत अच्छे यहाँ पे, अच्छा तो सब जगह ही है। ये मंदिर थोड़ा गिरने का डर जैसा है ना। अच्छा है, ये है यूला का पूरा गांव, कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ से तो। ओ असम असम ब्यूटीफुल। और ये पार्क मीरू, और वहाँ मम्मी। अब हम चलते हैं वापस, जो हमारा काम था कर दिया, माला पहनाना था पहना दिया। पूरा पूरा देख सकते हो कैसे एकदम चढ़ाई पे। उफ, हम लोग कहाँ गए थे? अच्छा यहाँ ऊपर ना, डर जैसा आया वाला है ना। अच्छा कितनी ऊँची ऊँची डहा के देखो, डरावना काम। कुछ चलने का तो आवाज आ रहा है, गाड़ी जा रही होगी। भगवान यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है, पानी का आवाज है ना ये।
तो हमारा यूला का जो टूर था वो ख़त्म हो चुका है, अब हम घर की ओर जा रहे हैं। और मेरा टोपी कैसा है बताना ज़रूर। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं, हम दोनों मम्मी जा रहे हैं वापस, जो काम के लिए आए थे हम वो हो गया, बर्तन बर्तन लिखना था वो लिख दिया, और अब वापस घर की ओर रोड तक पैदल। उसके बाद हमारे को गाड़ी मिलेगी, नहीं तो अभी बस मिलती है, फिर बस वहीं से डायरेक्ट गांव में पहुंच जाएंगे हम अपने, थोड़ी दूर है यहाँ से। दो टाटा बाय बाय। और ये हमारा गांव, ये सामने हमारा गांव है, और ये पारकिल्वा, और ये परे साइड उड़नी, और जहाँ में खड़ी वो तो यूला, और ये हमारे गांव का कंडे, देखो मैंने दिखाई दिया आखिर आप लोगों को। और वहाँ आगे आपको दिख रहा होगा ये है बस स्टैंड, यूला का बस स्टैंड, वहाँ सारी गाड़ियाँ और बसें वगैरह रुकती है और मोड़ वगैरह लेती है। बाकी आपको यूला ऊपर गांव जाने के लिए काफ़ी रास्ते मिल जाएंगे, वहीं आगे से काफ़ी दो तीन रास्ते हैं, और एक रास्ता यहाँ से ऊपर जहाँ से मम्मी हम दोनों आ रहे, और ये वाला थोड़ा बहुत लॉन्ग रास्ता है मेरे को ऐसा लगता है। जो आगे बस स्टैंड से वो ठीक है, उसमें थकने नहीं आया था ज़्यादा। यहाँ नीचे मुझे कुछ दिखा अच्छा सा, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी को कितने अच्छे तरीके से स्टोर किया है। ये है यूला में छोटा सा फिश फार्मिंग, तभी यहाँ पर ऐसे टैंक बनाया हुआ है और पानी को स्टोर किया है। और देखो वहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे जो केयर कर रहे हैं फिशेस की। पानी तो सब पानी चल आ गए चल। हाँ ओ चलो चलो आ गया, इधर को आओ। ये वादियाँ ये हवाएं उड़ा रही है हमें। चलो पानी में इतना अच्छा पानी है, साफ एकदम, यही तो खास। ठीक है फिर जाते अब। ओए कुछ अजीब सा रास्ता है, अजीब सा पुल है यहाँ पर। ये हम आ गए अब मेरू की बाउंड्री पे, और यहाँ पर पुल इतना कम चौड़ा पुल है। फाइनली हम लोग मेरू पहुंच गए हैं, और ये मेरू का एंट्री गेट है, बट यहाँ पर गेट अभी बना नहीं है, ओनली ऐसे झंडे लगा के रखे हैं, बन जाएगा कुछ साल के। जब हम लोग वहाँ ऊपर तक तो गाड़ी में आए, वहाँ से नीचे पैदल आए हम लोग, ये ऊपर रोड तक गाड़ी में आए, फिर यहाँ से नीचे हम पैदल आए शॉर्टकट, फिर अब यहाँ से यहाँ बस यहाँ से आगे कोई गाड़ी मिलती तो गाड़ी, वरना फिर पैदल 11 नंबर वाली गाड़ी में चले जाना पड़ेगा। तो आपको आज का ये वाला वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, और बाय बाय। और मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। टाटा।